के इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ में ये भी पता है आपको दिस इज योर क्लास फुल एड्रेसिंग क्या है आपके ये है क्लास फुल एड्रेसिंग स्कीम ठीक है क्लास फुल एड्रेसिंग में हम सबको पता है कि क्लासेस को हम डिस्कस करते हैं क्लासेस से फुल है ए बी सी डी एंड ई ठीक है तो आप सब लोगों को ये भी पता है कि अगर आपके पास क्लास ए है तो क्लास ए में क्या होगा क्लास ए में जो है वो हमारे पास अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्लास ए में मेनली जो इसका बाइनरी पार्ट होगा तो फर्स्ट जो है वो ज़ीरो वैल्यू जो है वो रिजर्व होती है क्या होती है फर्स्ट जो बिट है वो हम इसमें रिजर्व रखते हैं तो जो फर्स्ट एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है वो ज़ीरोस होंगी बाकी क्या हो सकता है बाकी कुछ भी हो सकता है तो हम बाकी को ले लेते हैं इसी तरह से सारी वैल्यूज होते हुए ये ज़ीरो पे आ जाएगा तो यानी कि इसकी जो रेंज है वो ज़ीरो से लेकर और जो लास्ट होगा वो क्या होगा फर्स्ट बिट ज़ीरो होगी 1 1 1 3 ये 4 हो गए 5 6 7 8 8 बिट्स जो हैं वो 1 होगी और इसी तरह से बाकी सारी बिट्स क्या होंगी 1 1 1 1 1 1 यानी कि जो लास्ट बिट्स होंगी वो सारी क्या होंगी 1 1 होंगी तो ऑक्टेट होगा तो ऑक्टेट में क्या होंगे सारे बिट्स क्या होंगे 1 होंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑक्टेट में क्या होगा फर्स्ट बिट 0 होगी बाकी सारी वैल्यूज 1 होंगी सेकंड ऑक्टेट में क्या होगा ऑल वैल्यूज विल बी 1 ठीक है क्या होंगी ऑल वैल्यूज यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स क्या होंगी 1 होंगी इसी तरह नेक्स्ट में भी क्या होगा 8 बिट्स आपके पास 1 होंगी और सो ऑन तो इसकी वैल्यू जो क्लास ए है उसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है 0 से लेकर 127 तक ठीक है ओके इतना हमने पढ़ा है इसी तरह जो आपकी आ जाती है क्लास बी के अंदर क्या होता है जो फर्स्ट बिट है अब क्या होगी पहले तो हमने यहाँ क्या करा था एक बिट रिजर्व करी थी वो थी 0 सेकंड में हमने 2 बिट्स को रिजर्व कर दिया 1 0 ठीक है बाकी बिट्स अगर ये फर्स्ट एड्रेस है क्लास बी का फर्स्ट एड्रेस है तो बाकी बिट्स क्या होंगी 0 0 0 0 8 बिट्स जो कंप्लीट मिला के होंगे 2 तो ये हो गई 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स होंगी आपकी 0 और इसी तरह से बाकी जो बिट्स हैं लास्ट की बिट्स भी क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 बिट्स आ गई 0 और इसी क्लास बी का जो लास्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा 1 0 2 बिट्स रिजर्व हैं बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है और इसी तरह जो हमारे पास लास्ट ऑक्टेट होगा उसकी सारी बिट्स क्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स जो होंगी 1 होंगी यानी कि इन बिटवीन की बिट्स मैं नहीं लिख रही हूँ जो इन बिटवीन की बिट्स हैं वो आप सबको पता है कि वो भी क्या होंगी 1 1 होंगी तो इसी तरह से हमारे पास क्लास बी में जो वैल्यू है जो रेंज लाई करेगी डेट इज़ योर फ्रॉम 128 टू कहाँ तक जाएगी जी 191 तक जाएगी इसी तरह हम बात कर लेते हैं क्लास सी की क्लास सी के अंदर जो फर्स्ट एड्रेस ये है फर्स्ट ठीक है ये आपका फर्स्ट एड्रेस है और ये है आपका लास्ट एड्रेस क्या है यह आपका लास्ट एड्रेस है तो अब हमने फर्स्ट में क्या करा था 1 बिट रिजर्व करी थी सेकंड में हमने 2 बिट्स रिजर्व करी थर्ड के लिए हम क्या करेंगे 3 बिट्स को रिजर्व करेंगे 3 बिट्स कौन कौन सी होंगी 1 1 0 क्या होंगी थर्ड बिट्स 1 1 0 ठीक है 3 बिट्स रिजर्व कर दी तो फर्स्ट एड्रेस क्या होगा 3 बिट्स रिजर्व हैं बाकी क्या होंगी 4 5 6 7 8 ठीक है तो कंप्लीट 8 बिट्स करनी है जिसमें से 3 बिट्स हमने रिजर्व कर दी बाकी की बिट्स क्या होंगी 0 होंगी इसी तरह हम और ऑक्टेट्स को यानी कि 4 ऑक्टेट्स को कंप्लीट करते हुए जो लास्ट बिट्स होंगी वो सारी क्या होंगी 0 0 0 0 एंड सो ऑन ठीक है
5, 6, 7 and 8 डन। नेक्स्ट अगर ये ही क्लास सी का लास्ट एड्रेस है सो दिस विल बी 1, 1, 0 एंड ऑल अदर विल बी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो लास्ट बिट्स होंगी वो क्या होंगी, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो क्लास सी की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी आपकी, डेट वॉज योर। अब ये था 128 to 191, दिस विल बी योर 192 to 223 ठीक है, दिस इज योर 192 to 223। लाइकवाइज वी विल यूज क्लास डी ठीक है। क्लास डी के अंदर फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, अब हम 4 बिट्स को रिजर्व करेंगे 1, 1, 1, 0। फर्स्ट 4 बिट्स जो हैं ये हिलने वाली नहीं है अपनी जगह से, तो ये 4 बिट्स हो गई रिजर्व। बाकी की बिट्स क्या होंगी, बाकी की बिट्स जो होंगी वो हो जाएंगी 1, 4 हो गई ना, 1, 2, 3, 4 4 बिट्स हमने कर दी हैं 0, और इसी तरह से बाकी के जो ऑक्टेट्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे और लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। और लास्ट एड्रेस क्या होगा, 1, 2, 3, 4 ये 4 बिट्स हो गई रिजर्व वाली, और क्या है 1, 1, 1, 1 ठीक है। तो इस तरह से जब हम बाकी के ऑक्टेट्स को कंप्लीट करेंगे लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो लास्ट ऑक्टेट्स ऑल हैविंग द वैल्यूज विल बी 1 ठीक है। सो द आंसर विल बी हियर द, यानी कि जो डेसिमल नोटेशन है डेट वॉज योर 224 to 239 ठीक है। लाइकवाइज वी विल यूज क्लास सी, क्लास ई के अंदर अब क्या होगा ठीक है, ए बी सी डी और ई, फिफ्थ क्लास हो जाती है ई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बिट्स ही रिजर्व करेंगे, बट यहाँ जो 4 बिट्स होंगी वो क्या होंगी, 1, 2, 3, 4 ऑल वंस विल बी हियर ठीक है। यहाँ भी क्या होंगी, 1, 2, 3, 4 ऑल वंस, लेकिन जो बाकी की 4 बिट्स हैं वो भी इस केस में क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस के अंदर बाकी की 4 बिट्स क्या रहेंगी, 0 ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो हमें ये पता लगता है कि लास्ट बिट्स रहेंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। और लास्ट बिट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो हम वी कैन ईजिली से कि दिस वैल्यू लाइज फ्रॉम 240, 39 लास्ट था, सो 240 to 255। वैसे भी आप सबको पता है कि जिस ऑक्टेट में सारी वैल्यूज़ 1 हो जाती हैं डेट जो उसकी डेसिमल नोटेशन होती है वो होती है आपकी 255 ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरा मेन डिसीजन कि आपको ये बता दें कि क्लास ए है और वो उस नेटवर्क में लाई करती है, तो जब हम उसके डेसिमल बाइनरी नोटेशंस में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट बिट को हम रिजर्व रखते हैं क्लास ए में, यानी कि फर्स्ट बिट जो है वो चेंज नहीं होगी, बाकी की बिट वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। इसी तरह क्लास बी है जिसमें हमने 2 बिट्स को चेंज नहीं किया, क्लास ए में हमने फर्स्ट बिट को चेंज नहीं किया ठीक है, चाहे वो फर्स्ट एड्रेस है चाहे वो लास्ट एड्रेस है। इसी तरह क्लास सी के अंदर आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो 3 बिट्स थी उनको चेंज नहीं किया। इसी तरह क्लास डी के अंदर हमारे पास 4 बिट्स थी, बट दैट इज 1110 जिसको हमने चेंज नहीं किया अप टू द लास्ट एड्रेस। लाइकवाइज क्लास ई वी हैव ऑल्सो द 4 बिट्स रिजर्व बट हैविंग द वैल्यू क्या है, 1111 और ऑल वैल्यूज विल बी 1 हियर ठीक है। तो हमें इतना तो समझ आ रहा है कि क्लास ए के अंदर जो है वो जो नेटवर्क्स और एड्रेसेस हैं हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चेक करते हैं इसकी परसेंटेज को ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको चेक करेंगे कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा जो पार्ट आ रहा है वो है IPV4 क्लासेस के अंदर हमें फाइंड आउट
के लिए हम बोलते हैं एक पूरा, ये जो है वो एंटायर नेटवर्क है, ठीक है। मेरा सर्कल थोड़ा अलग सा है, तो आप क्या करेंगे, जो अगर ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, IPv4 का एड्रेस है, तो अगर हम क्लास ए के लिए ले, ठीक है, हमने क्या करा, ये वाला सेक्शन जो है वो क्लास ए के लिए ले लिया, दिस इज योर फॉर क्लास ए। क्लास ए जो है वो क्या होता है, 50% होता है, क्या होता है, 50% पूरे नेटवर्क का, ये होता है 50%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लास बी, ठीक है, क्लास बी जो है वो होता है आपका कितना, 25%, क्या बोलेंगे हम, ये जो बाकी बचा है इसका, यानी कि जो बाकी का 50% है उसका 25% जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्लास बी के लिए रिजर्व होता है। क्लास सी के लिए, क्लास सी के लिए ये होता है 12.5%, 12.5%। क्लास डी के लिए होता है, क्लास डी के लिए अगर हम लें तो डेट इज योर 6.25%। लाइकवाइज, ठीक है, ये थोड़ा सा डिवीजन में गलत हो गया है, तो इस तरह से क्लास ई जो है वो भी आपका कितना होगा, पूरे सर्कल का 6.25% होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने ये लिख तो लिया, लेकिन ये इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड है। आप सबको बताया है हमने कि IPv4 के अंदर हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं, जिसमें हम 32 बिट्स को स्टोर करते हैं। तो हमने क्या करा, 2 की पावर अगर ये 32 है, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया इसका 100%, ठीक है, 2 की पावर 32 क्या हो गया, 100%, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्लास ए के लिए ले तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 2 की पावर 32, और हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 32 माइनस, देखिए 2 की पावर 32 माइनस, अब हमने इसमें से एक माइनस कर दिया, यानी कि 2 की पावर 31, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, ठीक है। तो सिंपली हमने ये कहा कि 2 की पावर 31 है चाहे ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 100% हो जाएगा। 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50%। ये किसके लिए है, क्लास ए के लिए, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास बी, 2 की पावर कैसे निकाला हमने, ये देखिए 2 की पावर 32 है आपके पास, ठीक है, अपॉन क्या करा हमने, 2 की पावर 1, अगर 2 की पावर 32 माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी योर 2 की पावर 32 माइनस 1, इट विल बी योर 2 की पावर 31। 31 और 32 लगभग नियर बाई ही है, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं 50%, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 2 की पावर 32, ठीक है, ये किसके लिए है, क्लास ए के लिए है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे क्लास बी के लिए, क्लास बी के लिए हम कैसे करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे 2 की पावर 32, ठीक है, अपॉन 2 की पावर 2, हमने क्या करा, 2 की पावर 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 32 कितना हो गया, अगेन अगर हम कह सकते हैं तो दिस इज़ योर 100%, ठीक है, 100, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25%, तो क्लास बी के लिए कितना मिला, 25%। इसी तरह अगर हम क्लास सी के लिए फाइंड आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, थर्ड सेक्शन है तो 3 नेटवर्क्स बनते हैं हम इसमें, तो हमने इसको सिंपली करा है 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इज़ योर 100%, है ना। और सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%, ये किसके लिए है, ये है क्लास सी के लिए।
ठीक है, ये क्लास सी हो गया, ये क्लास बी भी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्लास डी के लिए चेक करना है। क्लास डी के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर ही ऑक्टेट्स है ना, ठीक है, तो थ्री तो हमने नेटवर्क्स के लिए दे दिए, तो 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4। अगेन अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो सो दिस विल बी योर 16, सो इट कम्स दैट इज योर 6.25%, ये आपके पास आ जाएगा 6.25%। लाइकवाइज इन क्लास ए दिस विल बी योर 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय अगेन 2 की पावर 4। क्लास ई विल बी अगेन 100 डिवाइडेड बाय 16, सो इट विल बी योर 6.25%, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो क्लास की परसेंटेजेस को डिवाइड करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन्स में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये क्लासेस में पूछा भी जाता है और हमें ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एड्रेस स्पेस कितना लेता है, ठीक है, एड्रेस स्पेस, ठीक है, हर एक जो एड्रेस है उसकी स्पेस कितनी है, अगर हम फर्स्ट बिट को रिजर्व कर रहे हैं तो एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, 1/2, है ना, 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किया है। अगर हम 2 बिट्स को रिजर्व करते हैं क्लास बी में, दिस इज फॉर क्लास ए, ठीक है, अगर हम 2 बिट्स को रिजर्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये हो जाता है एड्रेस स्पेस किसके लिए, क्लास बी के लिए। देखिए हमने क्लास बी के लिए हमने 4 से डिवाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 110 क्लास सी के लिए, क्लास सी के लिए यही चीज़ आपकी 1/8 हो जाती है, इसके लिए क्लास सी के लिए, ठीक है, 3 बिट्स हमने रिजर्व करिए तो 2 की पावर 3 कर देते हैं, सो इट विल बी 8, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर 1110, 4 बिट्स हमने रिजर्व करी तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 1/16 जो है वो एड्रेस स्पेस किसके लिए रिजर्व होती है, क्लास डी के लिए। लाइकवाइज 4 times 1 4 ही बिट्स है, बट दिस इज अगेन 1/16 जो स्पेस है डेट विल बी रिजर्व फॉर द क्लास ई, डन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम क्लासेस को डिवाइड करते हैं और किस तरह से बिट्स को फिक्स करते हैं, क्या परसेंटेज होती है, और किस परसेंटेज होने के साथ साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि ये फर्दर हम किस तरह से पूरे नेटवर्क पे काम करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास बी की क्या परसेंटेज होती है ओवर द नेटवर्क, क्लास सी की कितनी होती है, क्लास डी की कितनी होती है, क्लास ई की कितनी होती है, तो आपको ये चीज़ आनी भी चाहिए और निकालनी भी आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक।